हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा, ये वीडियो थोड़ा सा लेट आप तक पहुंच रहा है। आगे से मैं कोशिश करूंगा ऐसा ना हो, बट जरूरी काम कभी कभी आपको आपके स्केड्यूल को बिगाड़ के रख देते हैं, आपके पूरी दिनचर्या को। देखो, तो आज हम जो सबसे पहले जिस न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं, जो आपने प्रॉब्लम भेजी है वो है 23rd न्यूमेरिकल, जो कल के पेपर में आपको दिया गया था, कल के टेस्ट में 23rd न्यूमेरिकल। एक बात, इस न्यूमेरिकल को करने से पहले आपको एक बात समझनी है कि कार्बन 14 डेटिंग क्या होता है। कार्बन 14 डेटिंग क्या क्या होता है बच्चों? कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियो एक्टिव मतलब ये डिसइंटीग्रेट होता रहता है विद टाइम। C14 कार्बन के अलग अलग आइसोटोप है, 12 है, 13 है, 14 है, ये रेडियो एक्टिव है। और ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है। आपके अंदर भी कार्बन 14 है, मेरे अंदर भी कार्बन 14 है, किसी लकड़ी की अगर मैं बात करूं, वुड की अगर आप बात करें, उसमें भी कार्बन 14 है। बट आपके मेरे या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितना कार्बन 14 जाता है, जितना कार्बन 14 वो लेता है, उतना ही डिसइंटीग्रेट भी हो जाता है। इसका मतलब उसमें कार्बन 14 का अमाउंट फिक्स रहता है, बट जैसे ही इसकी डेथ हो जाएगी, या सपोज मेरी डेथ हो गई, तो मेरी डेथ के बाद मैं कार्बन 14 ले नहीं रहा, बट मेरे अंदर से कार्बन 14 डिसइंटीग्रेट होता जा रहा है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने आप को खत्म करते जाते हैं खुद ही, तो कार्बन 14 मेरे अंदर से कम हो रहा है। इसका मतलब आज से 1000 साल के बाद भी अगर कोई मेरी एज निकालना चाहे तो ये देखकर कि मेरे अंदर कितना कार्बन 14 बचा है, और किसी मेरे ही जैसे किसी और ह्यूमन बीइंग में कितना कार्बन 14 होता है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुझे मरे कितने साल हो गए हैं। ये न्यूमेरिकल जो आपसे पूछा गया है 23rd, वो भी कुछ ऐसा ही है। क्या है कि एक ये जो यहां पे जिक्र है, पेपीरस एक प्लांट का नाम है, जिसमें पुराने लैटिन या ग्रीक लोग इस प्लांट का यूज करके पेंटिंग बनाते थे। मतलब उस प्लांट के पत्तों को तोड़ते थे, वहां से जो ग्रीन कलर निकलता था उसको एज ए पेंटिंग में वो यूज करते थे, उसको उस प्लांट को उस पेंटिंग में एज ए पेंट उसको यूज करते थे। तो ये कहता है कि पेपीरस का कोई पेंटिंग है, और उसके अंदर डिटरमाइंड बाय ए गीगर काउंटर मेजर, तो उस पेंटिंग से जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बाहर निकल रहा है, उसको जब हमने काउंट किया तो वो आया 7.70। अच्छा, यहां गीगर मूलर काउंटर का भी जिक्र है। गीगर मूलर काउंटर एक डिवाइस होता है जो किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से निकलने वाली रेडिएशन को कैलकुलेट करता है, गीगर मूलर या खाली गीगर काउंटर भी कह देते हैं इसे। तो उस गीगर मूलर काउंटर ने यह काउंट किया कि उस पेंटिंग से 7.70 इतना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट है, और जब हमने किसी हेल्थी पेपीरस प्लांट को देखा तो हमने पाया कि उसमें जो कार्बन 14 होता है, वो होता है 15.4, CPM। CPM का मतलब होता है काउंटर पर मिनट, काउंटर पर मिनट या काउंटर पर जो भी टाइम है उसमें कितना हमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वहां से निकलता दिख रहा है। तो एक लिविंग पेपीरस प्लांट में इतना कार्बन 14 होता है, उस पेंटिंग में जो पेपीरस प्लांट है उसमें इतना कार्बन 14 प्रेजेंट है। वैसे तो आंसर से साफ पता लग रहा है, आंसर देखने से ही पता लग रहा है, कार्बन 14 का जो हाफ लाइफ टाइम है कार्बन 14 का वो 5760 ईयर्स है। वैसे तो अगर आप देखो तो ये इसका आधा ही तो है। इसका मतलब इस पेंटिंग को 5760 साल हो चुके हैं भाई। प्योर पेपीरस प्लांट में जो कार्बन 14 होता है वो 15.4 होता है। उस पेंटिंग में जो पेपीरस प्लांट यूज किया गया था उसमें जो कार्बन 14 है वो 7.70 है, ये हमें कैसे पता लगा? गीगर मूलर काउंटर एक काउंटिंग मशीन होता है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर से निकलने वाली रेडिएशन से पता लगाता है कि वहां कितना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो वैसे तो आंसर 5760 है, बट इसका एक और तरीका है, वो और देख लेते हैं। देखो, हाफ लाइफ टाइम से आप के निकाल सकते हैं,
कार्बन 14 का हाफ लाइफ टाइम इतना होता है और ये हमेशा इतना ही रहेगा। कार्बन 14 हर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का अपना हाफ लाइफ टाइम है और वो फिक्स रहता है। तो कार्बन 14 का हाफ लाइफ टाइम इतना है और ये फिक्स है। ओके, तो देखिए दूसरा तरीका ये है, इसका हाफ लाइफ टाइम अगर इतना है तो के कितना होगा इसका, और जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है वो सारी फर्स्ट ऑर्डर होती है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के और हाफ लाइफ टाइम में ये रिलेशन है, ये है के इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 0.693 बाई 5760 पर ईयर, ये के आ गया। ओके, अब मुझे क्या बताना है, वो टाइम बताना है, वो टाइम जब मेरा जो जो सब्सटेंस है, मेरा जो मटेरियल है जो मुझे गिवन है, गिवन है वो कितना हो गया, इनिशियली कितना था उसमें 15.4। आप कहोगे 15.4 इनिशियली कहां से आ गया, अरे वो पेपिरस जो प्लांट की उस पेंटिंग में यूज किया गया है, जिस दिन यूज किया गया होगा उसमें इतना कार्बन 14 होगा, आज उसमें इतना है, राइट। हमें कैसे पता लगा कि इतना होगा, हमने किसी दूसरे पेपिरस प्लांट को देखा, उसमें देखा हमने कार्बन 14 15.4 है, राइट, जो आज जिंदा है, राइट, जिसे हमने काटा नहीं अब तक, राइट। तो उसमें तो, और इस टाइम कितना है इसमें 7.70, के की वैल्यू आपने यहां से निकाल दी, तो वो टाइम निकाल सकते हो जब कार्बन 14 उसमें इतना होगा, अगर इनिशियल इतना था तो। इसको पूरे को सोल्व करोगे तो फिर दोबारा से आपको लगभग यही वैल्यू मिलेगी। कैसे सोल्व करोगे, 2.303। हालांकि कंपटीशन में सीधा देखते ही पता लग जाएगा, कंपटीशन टेस्ट में आपको बहुत ज्यादा वो कैलकुलेशन ऐसा न्यूमेरिकल नहीं देगा। ओके, अगर कैलकुलेशन सीधी होगी वहां पक्का, अगर आप ध्यान से देखोगे तो के की वैल्यू है 0.693 अपॉन 5760, ऊपर आ गया लोग 15.4, राइट, इसको मैं ब्रैकेट में रख रहा हूं, माइनस लोग 7.70। इसको पूरे को सोल्व करोगे लगभग यही वैल्यू मिलेगी।